हेलो एवरीवन, हेलो मॉम्स। आज आप अपने बच्चों को आ से लेके अंगा तक पूरी मात्राएं सिखाएंगे मेरे साथ। आप या तो खुद सीख लीजिए और मेरी तरह कुछ वर्कशीट बना लीजिए जिससे बच्चों को आ की मात्राओं का ज्ञान दे सकते हैं घर पर। आ से लेके अंगा तक, ये देखिए मैंने आ से लेके अंगा तक की मात्राएं यहाँ लिखी हैं। अब मैं एक एक करके दोहराऊंगी। आ आ पे कोई मात्रा नहीं है, जो आ शब्द है उससे जुड़ी जो अक्षर थे, जो शब्द थे, वो थे का से लेके ज्ञा तक। आपने जो दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर वाले शब्दों को मैंने पढ़ाया है उसकी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में से आप देख। अब स्टार्ट करते हैं आके से लेके ज्ञा तक मात्राएं। आ आपे मात्रा नहीं है, बड़ा बड़े आपे जब मात्रा लगा देते हैं हम, ये मात्रा लगी हुई है तो इसका साउंड होता है आ आ आ, दोनों साउंड में अंतर है, डिफरेंस है। फिर हम छोटी की मात्रा देखते हैं, तो जब छोटी की मात्रा है ये ई ई ऊ ऊ, छोटी की मात्रा है ये और बड़े ऊ की मात्रा है ये ए ए ए ए ओ, ओ से ओखली की मात्रा है ओ, औ से औरत की मात्रा है ओ ओ औ, अंगाहा अंगाहा अंग अंगाहा। तो आपने मात्राएं पढ़ ली, एक बार फिर से दोहराते हैं। आ आ ई ई ऊ ऊ ए ए ओ आओ अंग घा अंग घा। ये है री से ऋषि की मात्रा, इसमें क्र चढ़ता है। जब हम कोई मात्रा लगाते हैं इसकी, तो जब क्र कृपा ऐसे शब्द आते हैं तो इसकी मात्रा क्र चढ़ती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक इन स्वरों में से, ये जितने भी यहाँ स्वर और व्यंजन हैं, तो ये स्वरों की मात्राएं हैं। अब इन स्वरों की जो मात्राएं हैं वो हम व्यंजनों पे लगाएंगे, का से लेके ज्ञा तक। तो मैं इसमें से का वर्ड ले लेती हूँ, मैंने ये का वर्ड ले लिया है। तो का की, आप मेरे साथ दोहराते जाइए, की क्र क्र, ये ऋगुवेद वाली मात्रा है, ऋगुवेद वाली ऋषि वाली। कू 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 कू, के कै कौ कौ को कौ, कं कंगा या काना, इस तरीके के शब्द आते हैं वो, कंघा। क्र ये ऋषि वाला क्र, कृपा क्रम, इस तरीके के जब शब्द आते हैं तब कृपा में ये क्र चढ़ता है। अब ये मैंने एक वर्कशीट बनाई है, दो बनाई है, इसमें मैंने आ से लेके अंगा तक, ये देखिए आ से लेके अंगा तक आगे पीछे लिख दिए, कहीं ए लिखा है कहीं ऊ लिखा है, आगे पीछे लिख दिए हैं, रोंग लिखे हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी मात्राएं बनाई हैं, ये भी मैंने रोंग लिखी है। अब मैं यहाँ मिलान कर रही हूँ, मैचिंग करूंगी, जैसे इंग्लिश में मैच करते हैं। तो यहाँ पे ओ की मात्रा हमारी गौ से मिल रही है, गौ। ई की मात्रा कहाँ है, ये है। आ की मात्रा कहाँ है, ये है। तो इस तरीके से बच्चों को जब आप बार बार देंगे वर्कशीट पे, तो आ की मात्राएं याद हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है आ से लेके गंगा अंगा तक ऋषि तक, मैंने सारी मात्राएं लिख ली हैं। अब ये इसमें से कुछ शब्द दिए हैं, मा फा पाल, चार शब्द दिए हैं, इनमें से कोई भी बच्चा एक वर्ड उठा लेगा और उस पे सारी मात्राएं लगाएंगे। आप कई वर्ड्स इसमें से आ से लेके अंगा तक की पूरी कई बार मात्राएं लगवाएंगे तो बच्चों को मात्राएं याद हो जाएंगी। आई होप कि ये आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में बहुत सारी हिंदी की वीडियो डली हैं, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड की भी डली हैं, एलकेजी यूकेजी की डली हैं। तो
तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर देना।